एक दिन वो आके इस बीच में अपनी सारी वो लागू करके दिखाएं, काम करके दिखाएं कि हाँ क्या होता है। पता ही नहीं कि रोटी जो है, रोटी में वो इंग्रेड कहते हैं या गुड़ गन्ने से बनता है, रस से बनता है कि गुड़ हल जाता है, ये चीज उनको पता ही नहीं कि कैसे क्या करेंगे। खाली वो बड़े बड़े जो शब्दों के साथ बनाते हैं एकदम बढ़िया अधिनियमित और बढ़िया शासन के हिसाब से शब्द जो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ इम्प्लांट नहीं होते सर, हम लोग को गाड़ी के बीच रहना पड़ता है। वो तो हम लोग की सोच हिंदी भी नहीं समझ पाते गाड़ी, हम लोग को फिर लैंग्वेज अपनी चेंज करनी पड़ती है। हम लोग के लिए सही है, बहुत ज्यादा। देखिए वो भी इसी मिट्टी के हैं, अब हम लोग इसी मिट्टी के भूल गए स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह का चल रहा है, वो मतलब चलेगा 1 सितंबर तक चलेगा। बाल वाक्य से आपसे मतलब आंगनबाड़ी का है वो अपना चलाएंगे। निपुण लक्ष्य बाल वाक्य से कक्षा 3 तक पूरा लागू किया गया है, लेकिन हमारे स्कूल में 1 से 3 तक है, आप वही चलाएंगे। 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस चलेगा, 1 अगस्त से 22 सप्ताह चल रहा है जिसपे पूरी ट्रेनिंग चलेगी। भैया का साथ होता है समझने में, अभी हम लोगों ने जो जियो टाइपिंग किया था पहली बार आंगनबाड़ी के बारे में दिया गया था, पहली बार उनको बुलाया गया, बुला बुला करके कितने बच्चे हैं जीरो से शिक्षा में हम लोग शिक्षा में जो प्रथम 3 कालांश भाषा के होंगे, एक किस क्या कहला रहा है, कल इससे विस्तृत चर्चा हुआ था, 40-40 मिनट के 3 कालांश। आप हर क्लास में हर कालांश में आप पठन के लिए क्या उपयोग करेंगे, कालांश किस चीज का है, हमें मिलेगा कहाँ जैसे आपसे यहाँ पे चीजें कहाँ से आप डी बोर्डिंग या उससे संबंधित चीजों को प्राप्त करेंगे, जो भी योजना है वो टीचर्स गाइड में है, टीचर जो नहीं और पढ़ने से संबंधित तो उसमें क्लास में वो सब जानकारी का है, टीचर जो क्लास में है भाई हम लोग पढ़ाई को वही तो छड़ी है आपके पास जो भी प्रॉब्लम है भाई ये सब बंद कर दो यार, हर सब चाय के ऊपर नहीं नहीं